नगर पालिका परिषद का विशेष दूसरा सम्मेलन आज बंगला नंबर 60 में आयोजित किया गया, जो काफी हंगामेदार रहा। परिषद में रखे गए 55 प्रस्ताव बहुमत के आधार पर पास कर दिए गए हैं। वहीं कांग्रेसी पार्षद अपना विरोध दर्ज कराते रहे और सुरक्षात्मक जाली को लांघ कर अध्यक्ष आसंदी तक जा पहुंचे, जहां काफी विरोध के बाद भी कांग्रेस पार्षदों की एक नहीं सुनी गई और हंगामे के बीच 55 प्रस्ताव मात्र 10 मिनट में पारित कर नगर पालिका का विशेष सम्मेलन समाप्त कर दिया गया। नगर पालिका परिषद का सम्मेलन दोपहर 12:30 बजे शुरू होना था, जो दोपहर 1 बजे शुरू हुआ और 1:10 पर सभी प्रस्ताव पास हो गए। इसके बाद अध्यक्ष बैठक संपन्न कर परिषद से बाहर निकल गई। वहीं कांग्रेस के पार्षदों ने नगर पालिका सीएमओ के वाहन का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेसी पार्षद अपना विरोध दर्ज कराते रहे और सुरक्षात्मक जाली को लांघ कर अध्यक्ष आसंदी तक जा पहुंचे, जहां काफी विरोध के बाद भी कांग्रेस पार्षदों की एक नहीं सुनी गई और हंगामे के बीच 55 प्रस्ताव मात्र 10 मिनट में पारित कर नगर पालिका का विशेष सम्मेलन समाप्त कर दिया गया। नगर पालिका परिषद का सम्मेलन दोपहर 12:30 बजे शुरू होना था, जो दोपहर 1 बजे शुरू हुआ और 1:10 तक सभी प्रस्ताव पास हो गए। इसके बाद अध्यक्ष बैठक संपन्न कर परिषद से बाहर निकल गई। वहीं कांग्रेस के पार्षदों ने नगर पालिका सीएमओ के वाहन का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका परिषद की बैठक नियम और कायदों को ताक में रखकर की जा रही है और बहुमत का गलत उपयोग किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कांग्रेस पार्षदों की कोई बात नहीं सुनते हुए परिषद में रखे गए सभी प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने बताया कि परिषद में रखे गए 55 प्रस्ताव शहर हित के थे, जो बहुमत के आधार पर पास किए गए हैं। भाजपा कार्यालय को जमीन आवंटित करने का मुद्दा भी यहां रखा गया था, जो पूरे नियम के तहत आवंटित होगी। कांग्रेस पार्षद ने बैठक की गरिमा को तोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया है, जो नहीं होना चाहिए था। हम सभी की बात सुनने के लिए वहां बैठे थे, शहर हित के सभी कार्य नियमानुसार किए जाएंगे।